हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं श्वेता। वेलकम टू माय चैनल श्वेताज किचन एंड लाइफस्टाइल। आज मैं बनाने वाली हूं बच्चों का फेवरेट ब्राउनी। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक और शेयर करें, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मैंने 140 ग्राम डार्क कंपाउंड चॉकलेट लिया है, जिसे मैं डबल बॉयलर में गर्म कर रही हूँ। इसी में मैं 1/4 कप बटर ले लूँगी। ये मैं होममेड बटर ले रही हूँ। इसे हमें चलाते रहना है तब तक जब तक कि ये मेल्ट ना हो जाए पूरी तरीके से। इसे इसी तरीके से चलाते हुए पूरी तरीके से मेल्ट कर लेंगे। हमें इसी तरीके का इसे करना है। अब मैं इसमें बची हुई सामग्री को डालूंगी। इसमें मैं सबसे पहले 2/3 कप मैदा लूंगी। 1/3 कप मैं पिसी हुई चीनी ले रही हूँ। 5 टेबल स्पून कोको पाउडर है। इसे अच्छी तरीके से इसी में छान लेंगे। इसी के साथ मैं अब 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर लूंगी और साथ में छान लूंगी उसे भी। सारी सूखी सामग्री को मैंने छान लिया है, देखिए इस तरीके से। अब मैं इसमें 1/4 कप कंडेंस्ड मिल्क डालूंगी। अब मैं 1/2 कप दूध डालूंगी। दूध रूम टेम्परेचर पर का होना चाहिए। सारी सामग्री को मैं अच्छी तरीके से अब मिक्स कर लूंगी। मैंने ब्राउनी बनाने के लिए 6 इंच का केक टिन लिया है, जिसमें मैंने बटर लगा दिया है और पूरी तरीके से मैदे से कोट कर लिया है। अगर आपके पास बटर पेपर है तो आप नीचे लगा दें, मैंने भी लगा दिया है, देखिए इस तरीके से। मैंने ओवन को 180 डिग्री पे प्रीहीट कर लिया है और मैं इसे बेक भी 180 डिग्री पे ही करूंगी और मैं इसे 26 मिनट के लिए बेक करने वाली हूँ। मैं इस पे चोको चिप्स डाल रही हूँ और मैंने बाद में थोड़ा सा आलमंड इसके ऊपर डाल दिया था, जो देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए हमारा ब्राउनी कितनी अच्छी तरीके से बेक हो रहा है। 26 मिनट लगे हैं पूरा टाइम इसे बेक होने में। मैंने इसे ठंडा कर लिया है। अब मैं इसे केक टिन से बाहर निकालने वाली हूँ। देखिए बटर पेपर के कारण कितनी आसानी से ये निकल जाता है और ये हमारा ब्राउनी बनकर तैयार है। ब्राउनी बनाना बहुत ही आसान है और बच्चों का बहुत ही फेवरेट होता है। देखिए मैंने आलमंड के कुछ टुकड़े डाल दिए थे और चोको चिप्स डाल दिए थे, जिसके कारण ये कितना खूबसूरत दिख रहा है। आप इस पे अखरोट भी डाल सकते हैं और बादाम भी डाल सकते हैं, कुछ आप अपने टेस्ट के अनुसार कुछ भी डाल सकते हैं इस पे। ब्राउनी अगर पूरी तरीके से ठंडा हो जाता है तभी इसे काटें। अगर हो सके तो आप इसे 3-4 घंटे के लिए छोड़ दें और तब काटेंगी तो आप, ये बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगा और ये खाने में बिल्कुल मुंह में घुल जाएगा। देखिए कितना परफेक्ट बना है और कितना सॉफ्ट भी बना है। आप इसे कढ़ाई में, कुकर में भी बना सकते हैं और ये बिल्कुल उसी तरीके से बनेगा जिस तरीके से आप केक बनाते हैं कढ़ाई में और कुकर में। मेरी पिछली वीडियो में भगोने में और कढ़ाई में केक बनाने का मैंने बताया है। आप उसी तरीके से ब्राउनी को भी उसमें बेक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कितना परफेक्ट बना है। अब मैं इसे काट कर दिखा रही हूँ, आप भी इसे ज़रूर बनाइए। थैंक यू।